यार ये सारा जो है ना पहाड़ को खोद के बनाया गया, और ज़्यादा पत्थरों में कशीदाकारी हुई भी है। जैसे वो सामने जो है ना वो पहाड़ को काट के बनाया गया, सेम ऐसे ही ये पत्थरों को काट। वाह, और यार ये इनका जो ना पुराने दौर का बादशाह था। यार इस जगह की अलग ही शान शौकत है भाई। ओके तो गुड मॉर्निंग, और अभी हम जो है ना निकल पड़े हॉस्टल से, मैं और रॉबर्ट। सलाम। तो यू गोना बोथ कैन सिट इन द बैग। ओके सो अभी हम जो है ना परसों प्लेस की तरफ जा रहे हैं। कल तो यहाँ पे सब कुछ बंद था, कहीं कुछ जा नहीं सके, लेकिन आज जाना है। और यू हैव योर कीज मैन, सो या इट्स ओके, इट्स माय प्लेयर। यू नो आई हैव अ वेरी बैड एक्सेंट, सो सम ऑफ द वर्ड्स यू कांट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बट जस्ट एक्सेप्ट इट व्हाट एवर आई से। ओके ओके, सो अभी हम निकल रहे हैं, तकरीबन 10 बजे का टाइम हो रहा है। और ये दैट फिल्म सो देन ना, व्हाट आर यू फिल्मिंग माय फ्रेंड? आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल द स्टोरी ऑफ व्हाट हैपेंड यस्टरडे। व्हाट हैपेंड यस्टरडे? टेल मी द स्टोरी। सो वी वर आउट एंड एवरीथिंग वाज क्लोज्ड, दैट्स द स्टोरी। व्हाई वाज इट क्लोज्ड? बिकॉज़ इट वाज 10th ऑफ मुहर्रम। व्हाट इज इट? नो वन नोज़ अबाउट इट। Everyone knows about it. It's that critical? Yeah, it's a very, like, you know, for the both Shia Muslim and Sunni Muslim is a critical thing, and I don't have, you know, good knowledge about it, so somehow if I said something, so it might hurt sentiment of the other or Shia Muslim. So that's why I stay quiet. Okay. Yes, so अभी मैं और रॉबर्ट जा रहे हैं परसों पुलिस, और ये जो है ना मुझे तो ये जो नाम है ना मुझे लेने में दो मुझे 3 दिन लग गए ये जो है ना मतलब बोलने में, मैं बोल नहीं पा रहा था परसों पुलिस। तो आज जो सुबह मैं उठा ना तो अचानक मेरे मुंह से निकल आया, तो अभी मैं भी खुश हूँ। तभी हम जा रहे हैं, मौसम भाई का काफ़ी गर्म है, और आज जो है ना फिर हालात वाक़ात नॉर्मल हो गए हैं, रोड पे ट्रैफिक जो है ना वो नॉर्मल हो गई है। तभी फिर आपको रास्ता भी दिखाते जाएंगे, और फिर वहाँ पे भी जाके आपको बताएंगे कि क्या सीन है। रॉबर्ट जो है ना वो दोबारा चेक कर रहे हैं कि यार मैं परसों पुलिस दोबारा बोल पा रहा हूँ या नहीं, क्योंकि मैं 3 दिनों से बोलने की कोशिश कर रहा था, मेरे मुँह से ये निकल ही नहीं रहा। सुबह में उठो अचानक से मेरे मुंह से निकला परसों पुलिस। वैसे इसका उर्दू में जो नाम है ना वो है तख्त जमशेद, लेकिन इसको कहते हैं परसों पुलिस। वाह, भी कोल्ड। सभी हम तख्ते जमशेद पे पहुंच गए परसेपोलिस। तो परसेपोलिस सो यू जस्ट नीड टू मेक श्योर इफ नो आई एम ओके विद इवन दैट, बिफोर आई वाज नॉट एबल टू से इट एंड आई एम हैप्पी विद इट, समहाउ आई कैन प्रोनाउंस इट। सो अभी हम पहुंच गए। मैन यू टुक सनग्लासेस, यू आर सो स्मार्ट। आई टुक देम एवरीवेयर इवन एट नाइट। But they are original? Is it like a good part? Yeah, it's very expensive. You know, when I bought the car, I got it as a gift. I think it was your second Porsche, right? Yeah, no, third. Third? First, I bought it for myself. Second, I gifted it to my girlfriend. Yes, and then one for the guy who's cleaning your flat, right? Yeah. You're so generous. तो अभी हम जो है परसेपोलिस फिर मुश्किल हो रहा है परसेपोलिस पर परसेपोलिस पे पहुंच गए।
रॉबर्ट जो है ना वो हल्के होने गया है मशरूम, और अभी हम जो है ना मैं उसका वेट कर रहा हूँ। और ये सामने वो प्लेस है, बहुत 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 इम्पोर्टेंट प्लेस थी। थैंक यू। दिस इज वन टिकट और टू टिकट? यस टू टिकट। यस ओके थैंक यू। टिकट यू हैव टू स्टडी लाइक नो आई लव टू नो अबाउट प्लेसेस लाइक दिस। टिकट अब इज इट फॉर फैमिली? ओह इट वाज राइट हियर। पॉइंट ऑफ बैक वर्ड आई नो सी कान लेट्स गो शाम। यस इट्स फॉर द केयर। तो अभी हम पहुंच गए और पेर्सेपोलिस। यार रॉबर्ट कह रहा था क्या जो है ना बहुत रोशनी हो रही है, मैं कह रहा था कहाँ है रोशनी, फिर मुझे बाद में याद आया मैंने तो यार ग्लासेस लगाई इस वजह से मुझे रोशनी जो है ना फील नहीं हो रही थी। इस जगह का जो है ना वो एक अलग ही वो है, मतलब ऑरा है। ऑरा, यू नो व्हाट इज ऑरा? वाओ पर्सेपोलिस या तख्त जमशेद, ये शहर डारस ने तामीर करवाया था और कहते हैं कि इसकी तामीर में 125 साल लगे थे। इसी वजह से इसकी हर एक चीज़ अपनी डिटेल और अपने होने का पता खुद देती है। जैसे कि अपने सामने अब इस वक्त आप दीवार देख रहे हैं, हकीकत में ये दीवार नहीं है, ये सीढ़ियों का बैरूनी हिस्सा है जिस पर कुछ लोग आपको हीरे जवाहरात उठाए नजर आएंगे और कुछ घोड़ों पर आपको हीरे जवाहरात नज़र आएंगे। ये सीढ़ियाँ उन लोगों के लिए इस्तेमाल होती थी जो लोग दूसरे बादशाहों के भेजे हुए तोहफे तहफ़ उठा कर लाते थे और बादशाह के हजूर पेश होते थे। इसको सुतूनों वाला महल भी कहा जाता था। कहते हैं कि एक अंदाजे के मुताबिक इस महल में 100 से ज़्यादा बुलंदो बाला सतून थे जिसमें हर सतून की लंबाई 64 फीट से ज़्यादा थी। लेकिन जब इस महल पे बुरा वक्त आया तो ये बुलंदो बाला सतून भी इस महल की तबाही को ना रोक सके। कहते हैं कि अलेक्जेंडर द ग्रेट ने जब इस महल पे हमला किया तो यहाँ का सारा ख़जाना लूटने के बाद उसने इस महल को आग लगा दी और ये महल एक खंडर में तब्दील हो गया। अलेक्जेंडर द ग्रेट को उस वक्त इस खजाने को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए 3000 घोड़े और खच्चर लगे। देखें कि इसने कितनी बड़ी तबाही मचाई होगी। और आज भी इस महल के किसी भी कोने की तरफ अगर बंदा नज़र दौड़ाए, आगे या पीछे, ऊपर या नीचे, तो हर तरफ इसकी महल के शान व शौकत होने के जो है ना आसार नज़र आते हैं। बेशक इस वक्त ये खंडर में तब्दील हो चुका है, लेकिन इसके बुलंदो बाला सतून आज भी इसकी अजमत के होने की गवाही देते हैं कि एक अपने वक्तों में बहुत ही अजीम व बाला इमारत रही होगी। अभी जो है हम पर्सेपोलिस की गलियों में जो है ना घूम रहे हैं। यार मुझे ना इसका नाम याद करते करते 3 दिन लग गए हैं, लेकिन जो है ना वो जगह जो है वो वर्थ इट है। पर कहीं भी आप देखो आपको जो है ना, मतलब यहाँ देखो वहाँ देखो कहीं भी देखो आपको ऐसी वाइब्स मिलती हैं कि यार आप कहते हो कि यार हाँ हाँ हाँ। तो ये हज़ारों साल पुरानी तारीख है और ये चीज़ें तो इन्होंने उठा के रखी हैं यहाँ पे, और ये जो है ना जिन्होंने बनाई है उन्होंने ख़ुद बनाई है। और इधर अभी भी जो है ना यहाँ तक पत्थरों में कशीदाकारी हुई भी है, जैसे वो सामने जो है ना वो पहाड़ को काट के बनाया गया, सेम ऐसे ही ये पत्थरों को काट के जो है ना इस पर चीज़ें बनाई गई हैं। तो अमेजिंग है। ओ दिस प्लेस इज कूल, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट द टेम्परेचर। या इमीडिएटली लाइक 20 डिग्री। या मेबी 20 डिग्री। दिस इज वुड, दिस इज वुड। ओके तो अभी हम जो है ना नीचे की प्लेस हमने सारी एक्सप्लोर कर ली है। अभी रॉबर्ट और मैं सामने ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पे जो है ना मतलब और तो कुछ बंदा इतनी आसानी से सीखा नहीं सकता, लेकिन जब भी किसी ईरानी से मिलता है तो वो कहते हैं सलाम। तो रॉबर्ट ने ना ये क्रैक कर लिया है कि जब भी कैमरा खोले totally agree with you, man.
जब ये कैमरा खोले तो आपने कहा सलाम। तो ये अच्छा तरीका है वैसे ना, लेकिन ये यहाँ पे कुछ घर टाइप बने हुए हैं। आई डोंट नो वी आर अलाउड टू गो देयर और नॉट, बट वी कैन हैव अ लुक, लाइक देयर आर स्टेयर्स एंड नोबडी इज हियर। व्हाट डू यू से? नॉट पॉसिबल, जस्ट फॉर लुकिंग फ्रॉम आउटसाइड। ओके ओके, बट देयर नो, इट्स पॉसिबल, वी कैन गो। या ओके, लेट्स गो देन। हो, ये कुछ घर टाइप बना हुआ है और यहाँ से ऊपर का नज़ारा आएगा। बड़ी खूबसूरत जगह है यार। ओह, देयर इज अ वे हियर, वी कैन गो फ्रॉम हियर, यू कैन कम। यस, आई विल कम, डोंट वरी, आई एम सेफ। तो बड़ी खूबसूरत जगह है। अभी हम यहाँ पे हैं और हमने वहाँ जाना है ऊपर पहाड़ी के ऊपर। वहाँ पे उन्होंने कुछ पहाड़ी को काट के कुछ घर टाइप बनाए हुए, तो हाइकिंग करके जाना है ऊपर। गर्मी काफ़ी है, टेम्परेचर भी काफ़ी है, लेकिन चस फिर ऐसे तो नहीं आती ना। तो शुक्र है कि पानी शानी है पास। ये तो पुराना मुझे एक एक्सपीरियंस याद है, मैंने एक जगह हाइकिंग की थी, पानी नहीं था मेरे पास, तो नीचे आके मैं मरने वाला हो गया था। So at least we have water now. Can have a look at it as well. Yahan pe kuch. Okay, I will just have a look and I will join you. So yahan pe kuch hai. Aur isko hum dekhte hain kya. Oh, ye mere haath mein jo hai na water reservoir type kuch cheez hai. Oye, parinde vinde bhi hain bhai. तो इसके नीचे बोर्ड लगा हुआ है क्या है, लेकिन पता नहीं, पढ़ना पड़ेगा। ये फारसी में द स्टोन वेल, ओके, ये जो है ना कुआं ही था। तो हम जो है ना अरबिक पढ़ सकते हैं लेकिन ट्रांसलेट नहीं कर सकते। सो पानी का कुआं है, ऊपर जाना है वहाँ पे। वहाँ पे इन्होंने पहाड़ को खोद के कुछ घर टाइप बनाए हुए थे, होंगे तो क्लोज, लेकिन एटलीस्ट जो है ना, हम क्या नाम है, हाँ, व्यू ले सकते हैं बाहर से। शुक्र है कि यहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ बनी हुई। और ऊपर जाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यहाँ से आपको पूरी प्लेस का जो है ना एक बर्ड आई व्यू मिल जाता है। ये देखने में इतना मुश्किल नहीं लग रहा, लेकिन ये सीढ़ियाँ काफ़ी मुश्किल है क्योंकि अच्छी खासी हाइट है और बंदे की पी निकल जाती है अगर बंदे को आदत हो ना हाइकिंग करने की। तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, मतलब व्यू और क्लियर होता जा रहा है। यार आप इमेजिन करो, पुराने दौर में किंग कितनी शान शौकत से यहाँ रहते होंगे। ओह माय गुडनेस, वी आर अप हियर, वी आर फकिंग अप हियर। सो पहुँच गए हम। लाइक ये पहाड़ को खोद के बनाया गया। रॉबर्ट, रॉबर्ट को ढूंढ रहा हूँ मैं क्योंकि प्यास लगी है। तो यहाँ से जो है ना आपको नीचे का फुल वाइड व्यू मिलता है। यार इस जगह की अलग ही शान शौकत है भाई, अलग ही यहाँ पे जो है ना वाइब्स हैं, एक डिफरेंट किस्म की एनर्जी है आपको यहाँ पे फील होगी। हाँ, ये सारे जो है ना, ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है।
लेकिन ये जो है ना, ये पहाड़ को खोद के बनाया गया, मतलब पहाड़ को हाथ से कशीदा कर दी करके बनाया गया और बहुत ही खूबसूरत है। ऊपर जाके आपको दिखाता हूँ। What? I don't know about it. So I'm just coming back, okay? So अभी ऊपर पहुँच गए हम हाइकिंग करके। और भाई साहब, अच्छा यहाँ पे ना सीढ़ियों पे भी इन्होंने कुछ लिखा हुआ है। अच्छा ये अभी की है, ये 1966 है, लेकिन तब का नहीं है ये, मतलब उससे बहुत पुरानी कोई चीज़ है। लेकिन अच्छा ये सिर्फ, अच्छा ये अंदर से बंद है सारा ना, आप सिर्फ बाहर से देख सकते हो, अंदर जा नहीं सकते। इट वुड बी नाइस अगर आप अंदर जा सकते होते तो फिर जो है ना बात ही कुछ और थी। यार ये सारा जो है ना पहाड़ को खोद के बनाया गया, और अंदर में खाल में रहने की जगह थी, व्हाट्सएवर जो भी था, बंद है अभी। और यहाँ से आपको जो है ना पूरा नीचे का नज़ारा मिलता है। यार इस जगह की एक्सप्लेन करना जो है ना इस जगह को मुश्किल है। इसकी जगह की बस आप वाइब ही जो है ना, मतलब वही फील कर सकते हैं आप। देखो यहाँ पे शायद ये जो है ना वो किले के, किला कह लो इसको, उसके मुहाफ़िज दिखाए गए हैं। ये यानी कि ये काइंड ऑफ वो स्नो वाइट कह रहा हूँ, यार नाम निकल गया। एक सिंगल वाली नहीं होती, अक्सर गोरों की मूवीज़ में होती है वो है। और यार ये इनका जो ना पुराने दौर का बादशाह था उसका साइन है, और ये आपको साइन जो है ना ये मतलब आज़रबैजान टर्की उधर भी बहुत देखने को मिलता है, लेकिन इसकी जो हिस्ट्री है वो डिफरेंट है। मज़ा आ गया यार जगह को देख के।